अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा CS101 का पेपर था, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें MCQs कौन से थे, शॉर्ट और लॉन्ग कौन से थे। तो वीडियो शुरू करते हैं। MCQs के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि मैं पास पेपर सारे करके गया था, लेकिन पास पेपर में से कोई भी MCQs नहीं आया। तो सारे MCQs जो हैंड आउट्स दिए हुए थे उसने लाइन बाय लाइन उठा कर दिए हुए थे, तो आप प्लीज़ हैंड आउट्स को मुकम्मल तौर पर लाइन बाय लाइन देखें। इसके अलावा दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, तीन तीन नंबरों के। पहला क्वेश्चन था सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले इज़ कॉल्ड, आपको पता है असेस टाइम होता है सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले। दूसरा क्वेश्चन था रेट एट विच डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो ये ट्रांसफ़र रेट होता है। थर्ड क्वेश्चन था द टाइम एट विच दी रीड एंड राइट हैड मूव इज़ कॉल्ड सीक टाइम। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन था फ्लैग सिस्टम इज़ ए प्रॉब्लम, राइट इज़ टू प्रिवेंटिव मेजर्स आर सोल्यूशन। तो अगर आप हैंड आउट्स के पेज 110 पे जाएं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, या हैंड आउट्स के मॉड्यूल 55 के पैराग्राफ नंबर 4 पे जाएं तो उधर ये आंसर लिखा हुआ है। अच्छा जी, दो लॉन्ग क्वेश्चन थे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन था कि ये इधर डेसिमल 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 ऐसे 7 पर दिए हुए थे, और नीचे ये बाइनरी नंबर 1, 1, 0 और ये सब दिए हुए थे जो ग्रीन किए हुए हैं। ये मैंने 14, 30, 50, 75, 230 ये नहीं दिए हुए थे, और उन्होंने कहा हुआ था कि फाइंड द डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर हमने मालूम करने थे या लिखने थे। तो मैंने ये देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, आपने देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली असेस बस विच नीड कंट्रोलर टू असेस बस, इसमें कौन सी जो है उनको डायरेक्टली बस को असेस कर सकती हैं, और किन को बस को असेस करने के लिए कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है कि मेन मेमोरी या CPU डायरेक्टली बस के साथ असेस होती हैं। मोडेम को क्योंकि ये पेरिफेरल डिवाइस है, इसको इसलिए हार्ड डिवाइस है ये, तो इसको कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा CD ड्राइव को भी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, मॉनिटर को भी ज़रूरत होती है, और प्रिंटर को भी ज़रूरत है। मॉनिटर का मुझे कन्फर्म नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको पता है कि मेरा चैनल अभी इनिशियलाइजेशन में है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।